एक बात में बोले तो आप मेहनत करेंगे एक बार, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा दो बार। ये है आज का वीडियो का मूल मकसद। दोस्तों, क्या आपको पता है YouTube जैसा आप Facebook से भी पैसा कमा सकता है? मैं नहीं मानता। YouTube पर आपने जो वाला वीडियो डाल देते हो, अगर आपने एक यूट्यूबर है और आप सोच रहे हैं कि YouTube पर वीडियो बनाने के लिए, तो जो वीडियो आप YouTube पर छोड़ते हो, YouTube पर अपलोड करते हो, वही सेम वीडियो को Facebook पर भी छोड़ के वहां से पैसा कमा सकते हो। बस तुम्हें कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पूरा तरीका यहाँ पे बता दूंगा, एंड अंदर का जो बात है वो मैंने बता दूंगा बालन की, कैसे मैं भी इससे पैसा कमाता हूँ। मतलब अभी तक नहीं आ रहा है मेरे को पैसा, बट आगे चल के आने वाला है। तो कैसे करेंगे सब कुछ मैंने यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए मैं फटाफट वीडियो को शुरू कर लेता हूँ, मेन टॉपिक में चल जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका अपना फोन का स्क्रीन में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपनी फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लीजिए। आपके पास तो फेसबुक अकाउंट जरूर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ, उसके बाद फेसबुक का ऊपर में आपको थ्री लाइन वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको पेजेस बोल के आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्लैग वाला, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको आ जाते हैं क्रिएट लाइक पेज एंड इनवाइट आ जाते हैं। तो आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। आप नॉर्मल वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड करने से वहाँ से पैसा नहीं आता है, एंड कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसके लिए आपको फेसबुक पर एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। तो पेज यहाँ पे देखिए क्रिएट बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देने के बाद आप स्टार्टिंग में शुरू शुरू में जब क्रिएट करने के लिए जाएगा आपके सामने ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे बोलेगा क्रिएट ए पेज एंड यहाँ पे गेट स्टार्ट बोल के नीचे आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोला है व्हाट डू यू वांट टू नेम दिस पेज। बोले तो आप अपनी पेज का क्या नेम देना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नेम देना चाहता हूँ, क्या दूंगा, सिंपली मैंने यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, आप इसको सीरियस मत लीजिए। आपको जो पसंद है वो नाम आप दे सकते हैं, बाद में भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे देता हूँ जय श्री बोल के SHR EE, ये मैंने दे चुका हूँ। इसमें ब्लॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक दे चुका हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे बोलेगा व्हाट कैटेगरी। बोले तो इसका डिस्क्राइब क्या है, ये कौन सा कैटेगरी का वीडियो। जैसे कि नीचे दे के रखा है पर्सनल ब्लॉग्स, ब्यूटीज, पर्सनल केयर, कैमरा फोटो, ये सब दे के रखा है। तो मैंने ब्लॉग के लिए पर्सनल ब्लॉग में क्लिक करता हूँ। और भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कैमरा फोटो में कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। देने के बाद बोल रहा है कि डू यू हैव ए वेबसाइट फॉर जर्सी ब्लॉग। बोल रहा है पहले से आपके पास कुछ वेबसाइट है क्या, अगर है तो यहाँ पे एंटर कीजिए, अगर नहीं है तो नीचे देखिए आई डोंट हैव वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास है नहीं तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देन नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली 90% मेरा जो पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बोला ऐड ए पिक्चर, तो अभी आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके पेज पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ऐड ए कवर फोटो यहाँ से अभी आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में जाके भी कर सकते हैं। तो मैं बाद में कर दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से भी अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली डन में क्लिक कर दीजिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो फेसबुक का जो पेज है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, एंड जो नंबर पे है यहाँ पे नंबर भी शो रहा है। नंबर को हाइड कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग कॉल करने लगेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे कंटिन्यू किया, यहाँ पे एक OTP आ जाएगा। OTP को यहाँ पे मैंने इनपुट करूँगा एंड आप लोगों के सामने पूरा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे OTP इनपुट करने के बाद ऐसा आपका आ जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। देने के बाद फिर ऐड इमेज आता है। तो यहाँ पे आपने जो मैंने पहले आपको दिखा दिया था इमेज ऐड करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। तो अभी भी मैंने ऐड नहीं करूँगा, बाद में जाके ऐड कर लूँगा। तो सिंपली यहाँ पे सेव में क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो फाइनल दोस्तों मेरा जो पेज है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं जयश्री ब्लॉग्स बोल के। एंड यहाँ पे फोटो मैंने नहीं लगाया, बाद में लगा लूँगा। तो सिंपली इतना सा ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जो फेसबुक पर जो पेज है यहाँ पे पर्सनली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो वगैरह अपलोड करते हो सेम वीडियो यहाँ पे आके आप अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाए तो पेज में आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे आपका पेज में क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे क्रिएट नीचे आपको आ जाएगा। देखिए क्रिएट ए पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करना एंड जो वीडियो वहाँ से फोटो वीडियो आता है यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आप अपनी गैलरी में चला जाएगा। यहाँ से जाके वो वीडियो को आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो सेम काम है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करने का जरूरत नहीं। सेम काम जो वीडियो आप यूट्यूब के लिए बनाते हो, यूट्यूब के लिए मेहनत करते हो, वही सेम वीडियो यहाँ पे भी अपलोड कर दीजिए। एंड फेसबुक पेज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे यूट्यूब पेज को मैनेज करने के लिए आपको YT Studio बोल के एप्लीकेशन मिल जाते हैं, यहाँ पे भी सेम आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, वो है क्रिएटर स्टूडियो बोल के, क्रिएटर
क्रिएटर स्टूडियो बोल के ये आपको ऐप मिल जाता है। ये वाला जो ऐप है ये फेसबुक वीडियो को, फेसबुक पेज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये एप्लीकेशन है। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड यहाँ से आप अपनी जो एनालिटिक्स बोलो सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। बोलो तो एक बात में बोले तो आप मेहनत करेंगे एक बार लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा दो बार। ये है आज का वीडियो का मूल मकसद। तो मैंने अंदर का बात आपको बता दिया, तो अभी आप वैसे ही फॉलो कीजिए। हमको भी सेम है, हम भी फेसबुक पर एक पेज क्रिएट कर रखा है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है दीपू जी टेक टिप्स, ऐसा सेम नेम पे फेसबुक पर भी पेज है। आप लोग अगर वहाँ पे फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे एक जबरदस्त मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।